भाई नोमिरा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 650 रुपए का लक्ष्य दिया। इसके अलावा मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए लक्ष्य 550 से बढ़ाकर करीब करीब 600 रुपए कर दिया है। ओएनजीसी पर भी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, जेपी मॉर्गन ओवरबिट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 190 रुपए का लक्ष्य दिया। हालांकि जो कमेंट्री है वो बढ़िया, 121 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मान रहे कि जो क्रूड की कीमतों में बढ़त आई है, इससे आगे भी जाके कंपनी के जो नतीजे वो बढ़िया देखने को मिलेंगे। वहीं सीरे से अगर आप देखें तो इनका भरोसा जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने अब जो रेटिंग है उसे अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है, 165 रुपए का लक्ष्य दिया है। अशोक लेलैंड यहाँ पर नतीजों के बाद यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 155 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि चौथी तिमाही के जो नतीजे हैं वो तो काफी बढ़िया देखने को मिले थे। हालांकि इन्होंने इस वित्त वर्ष के लिए जो ट्रक वॉल्यूम्स है इसके अनुमान में थोड़ी सी कटौती की है। हालांकि FY23 में कंपनी जो है एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिसके चलते आगे जाकर कंपनी को फायदा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2,540 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी जो फोकस है इससे आगे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और भारत में अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा प्लेयर साबित हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो स्टॉक पर नजर रखेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 178 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि रिन्यूएबल्स कारोबार में भी अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला था और हेल्दी कैश फ्लो भी जनरेट हुए, जिसके चलते स्टॉक पर ये खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं। एक बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर एसीसी को जो है अपग्रेड कर दिया गया है, अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 2,190 रुपए के लक्ष्य के लिए। अदानी पोर्ट्स काफी दिनों के बाद यहां पर रिपोर्ट आई है, गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे 760 रुपए के लक्ष्य लिए। और अंत में भारतीय एयरटेल, यहां पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 760 रुपए के लक्ष्य के लिए।